ठीक है ठीक है गोर्ज वॉक अरे जेटी से पास से थोड़ा जान दे मैं जो ये एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का रिवाइवल ऑफ ऑटो ट्रांसपोर्ट जो अर्लियर ईयर्स में पहले पिछले ज़माने में जो कम्यूट करते थे लोग यहाँ चाहे पैसेंजर कम्यूट करते थे या गुड्स कैरी करते थे वो रोप इसी वाटरवेज के थ्रू ही करते थे तो अब उस ट्रेडिशन को गवर्नमेंट ऑफ J&K ने रिवाइव के लिए ये वाटर ट्रांसपोर्ट का एक इनिशिएटिव लिया है जिसका पार्ट ये बस बोट है। ये बस बोट जो है ये पैसेंजर कैरी करने के लिए फ्रॉम रिवर वन एंड टू अदर इसको ये कम्यूट करने के लिए पैसेंजर कम्यूट करने के लिए एक इनिशिएटिव है जिसका हम पार्ट हैं। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सुखना प्राइवेट लिमिटेड का एंड सुखना एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड का। तो हमें ये एग्जीक्यूट करने का मौका मिला था तो हमने ये लास्ट पार्ट था इसका ये हमने लास्ट पार्ट आज डिलीवर किया है इनको। अभी जो इनिशियली गवर्नमेंट ने ये 3 बोट्स मंगवाए थे और इसको ये जो बोट है इसको इस तक पहुंचने के लिए इस तो अप्रोच के लिए इन्होंने फ्लोटिंग डॉक्स बनाए थे वो 5-6 जगह इन्होंने अथवाजन से छतरबल्ला 6 जगह इन्होंने स्टॉपेज रखा हुआ है वो हमने पहले एग्जीक्यूट किया था लास्ट ईयर और इस साल हमने इनको अभी तक 3 बोट्स दिए हैं जिसका ये बस बोट है इसकी 30 पैसेंजर्स कैपेसिटी है। इसके बाद हमने एक रेस्क्यू बोट दिया हुआ जो इसके साथ साथ होगा और तीसरा हमने इनको एक VIP पंटून बोट दिया हुआ है। तो ये 3 बोट्स हमें अभी तक दिया हुआ है इनको। नहीं नहीं ये जो है ये डीजल इंजन है इसके 2 इंजन लगे हुए हैं 50 HP के 2 इंजन हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40 नॉटिकल माइल्स अराउंड 70 किलोमीटर्स की स्पीड जनरेट करेंगे तो ये डीजल पे है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इसको एज अ टूरिज्म इसको आप टूरिज्म अट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं टूरिस्ट आते हैं लोकल पॉपुलेशन भी इसको यूज़ कर सकती है कम्यूट करने के लिए क्योंकि अगर आप देखेंगे जो रोडवेज हैं जो आप बाय रोड ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करते हैं तो उसमें ट्रैफिक जैम्स की वजह से और वो बार बार स्टॉपेज की वजह से काफ़ी टाइम लगता है तो ये ईजी और जल्दी कम्यूट करने के लिए एक अच्छा वे है। इसमें डीजल इंजन जो कि ये जो इंजन इसमें हैं ये इम्पोर्टेंट इंजन से जापान के वो इतना कोई पोल्यूशन नहीं करते हैं कोई जनरेट नहीं करते हैं। डीजल इंजन है जैसे गाड़ी है उससे बहुत कम उससे 10% लेस ये करता है। इससे ये मुझे लगता है एक जनरल पॉपुलेशन के लिए और जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं ये बहुत अच्छी अट्रैक्शन है और इजी कम्यूट करने के लिए एक अच्छा वे है जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो और आप इसको सीनिक ब्यूटी है उसका व्यू भी ले सकते हो। इसका रूट क्या रहेगा? इसका इनिशियली अभी जो वो टूरिज्म डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा मगर जो हमने जो स्टॉपेजेस जो हमने एक्सेस पॉइंट्स टू बोट्स हैं उसको जेटी बोलते हैं फ्लोटिंग डॉक्स वो हमने अथवाजन से और छतरबल्ला 6 जगह लगाया है तो इनिशियली इसकी 6 स्टॉपेजेस रहेंगे। वो डिसाइड वो जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा हम एक एग्जीक्यूशन एजेंसी है हम इनको हैंडओवर करके फिर वो करेंगे उसको डिसाइड।